यानी भारत की धरती जब छोड़ करके विदेश जाते हैं तो वहां बुद्ध जी की ही बात करते हैं, वहां हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। और आप यदि भारत देश से बाहर जाएं तो आपका जो पासपोर्ट बनाया जाता है उसमें इंडिया लिखा होता है या भारत लिखा होता, कहीं हिंदुस्तान। लखनऊ में हूँ और जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख से अंबेडकर माह मनाया जा रहा है। आज अंबेडकर माह का 5वां दिन है और आज हम पहुँचे हैं और आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से अंबेडकर माह की ये सीधी तस्वीरें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंबेडकर माह का 5वां दिन है और तमाम समाजसेवी लोग बाबा साहब को श्रद्धा सुमन कर रहे हैं तथा बुद्ध को पुष्पांजलि कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम बुद्ध वंदना से शुरू हो रहा है। आप सीधा समता आवाज टीवी पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज की बुद्ध वंदना इंजीनियर शिशुपाल जी के घर पर रखी गई है, अपने परिवार के साथ। वो जब भी दीपांकर जी के साथ वो पुष्पांजलि कर रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। धूप बत्ती और मोमबत्ती से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। कोई बात नहीं, चढ़ाइए चढ़ाइए, नेचुरल कीजिए। आप देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डाले जा रहे हैं बाबा साहब तथा बुद्ध के प्रति। सब लोग शुरू कीजिए। Shambhu 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 Shamb
पूरा महा अंबेडकर महा, पिछले 17 सालों से ये मुहिम लखनऊ में चल रही है और इस बार अंबेडकर महा जो समिति बना रही है उसके अध्यक्ष सौरभ जी मेरे साथ हैं। सर, क्या सोचकर पिछले आप एक दशक से ज़्यादा समय हो गया है और अंबेडकर महा मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहना चाहूँगा। मैं जहाँ तक कि आपका प्रश्न है कि पिछले कई दशक से मैं इस पंथ को जो समझ पाया हूँ तो उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में जी कहना चाहूँगा। मैं इत्र सा महकूँ नहीं है आरजू मेरी, मैं इत्र सा महकूँ नहीं है आरजू मेरी, कोशिश है मेरे किरदार से खुशबू आए। सिर्फ इसी कारण खुशबू कैसे आएगी? मानवतावाद को बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो धम्म दिया है उसी को प्रचार प्रसार में जी, जो जीवन के शेष दिन हैं, विशेष तौर से मैं इन्हीं में लगाना चाहता हूं। बस इसलिए ये पंथ हमें सबसे प्यारा लगता है और मैं वैचारिक क्रांति को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, अग्रसर हूँ, आप जैसे लोगों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करता हूँ जी। और कोई प्रश्न आपका हो? वर्तमान में जिस तरह से बुद्ध और अंबेडकर के प्रचार प्रसार में आप जैसे समाजसेवी लोग लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बुद्ध कथाएं चल रही हैं, 5 दिवसीय बुद्ध कथाएं, 3 दिवसीय बुद्ध कथाएं, 1 दिन की, 2 दिन की, सरकारें अड़चन लगा रही हैं और जो बुद्ध कथा कर रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, उनकी स्वीकृतियां बंद हो रही हैं। अभी इतना बड़ा आयोजन था, कई लाख लोग बुलंदशहर पहुंचने वाले थे 2 अप्रैल को, लेकिन सरकार ने मनसा जाहिर नहीं की, उसकी स्वीकृति भी रद्द कर दी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तव में इसमें वैचारिक मतभेद जी है। वर्तमान में जो भी सरकार यहाँ पर भारत में है, अगर उसके परिदृश्य में हम देखें, यहाँ पर तो आप किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं हिंदुस्तान 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 कहकर, जबकि उन्हें ये भली भांति पता है कि मेरा भारत का संविधान पहले ही Article 1 में हमारे देश का नाम भारत है, उसको नहीं उच्चारण करते हैं। और यही आप तो खैर हमसे मुखातिब हैं, हम आपसे मुखातिब, आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर दिखाएंगे, जबकि नेशनल चैनल भारत के नाम को ही बदनाम करते हैं हिंदुस्तान 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 कहकर, क्योंकि इनकी वैचारिक जो विचारधारा है, इन्होंने धार्मिक सत्ता इस तरीके से बढ़ाई है कि उसमें लोग इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, जबकि यही
वर्तमान सरकार के माननीय जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जब बाहर जाते हैं, यानी भारत की धरती जब छोड़ करके विदेश जाते हैं, तो वहां बुद्ध जी की ही बात करते हैं, वहां हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। और आप यदि भारत देश से बाहर जाएं, तो आपका जो पासपोर्ट बनाया जाता है उसमें इंडिया लिखा होता है या भारत लिखा होता है, कहीं हिंदुस्तान नहीं लिखा रहता। तो बस यही विडंबना है कि मैं ऊपर से कुछ और हूं, अंदर से कुछ और हूं। मतलब मुखौटा है, शेर दिखते हैं लेकिन है नहीं। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में आप कह सकते हैं, वास्तव में यही है। क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति कुछ और है, मनसा कुछ और है, उसी के तहत ये सब बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है आम लोगों की नजर में। अगर संविधान की हम बात करें तो संविधान कभी भी इस प्रकार की त्रुटियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। सूरज जी, जी सर, एक सवाल है बस छोटा सा, मैं अक्सर सभी लोगों से पूछता हूँ, अच्छा कमाते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है इस तरह घर घर जाकर चेतना फैलाने की, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों, जबकि अब इस समय तो सरकारें भी ये चाहती हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आप लोग क्यों, मतलब इस डर नहीं लगता है आप लोगों को? हम अगर डर गए जी तो ये समझ लीजिए हम मर गए। और बाबा साहब ने कहा है कि जिंदगी काफी दिनों की शानदार नहीं चाहिए, या जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है एक दिन एक समय ही हम अपने आप की जिंदगी कुर्बान करके अपने आप को मिटा ले। तो हमें शानदार मौत चाहिए, ना कि शानदार जिल्लत वाली जिंदगी चाहिए। और इस देश में बड़ी विडंबना, इस समय वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लोग अपने हक हुकूक की बातें करना छोड़ करके भय के माहौल में जी रहे हैं, डर के साये में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने आप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों कि अगर शिक्षा का अर्थ सही माने पे, सही समय पर अगर अपनी आप बात नहीं रखेंगे पब्लिक के सामने, तो आपके शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं है। ये मैं समझ पाया हूं, जहां तक कि बाबा साहब की शिक्षा जो अधिकार दिया है उसके दम पर मैं ये बात कह सकता हूं। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, अंबेडकर माह मना रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र जी हैं, इंजीनियर जितेंद्र, लखनऊ में रहते हैं, वो भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। सर जितेंद्र जी लखनऊ माह मना रहे हैं और कई दशक से आप मना रहे हैं, मतलब एक दशक से ऊपर हो गया है। जी जी, क्या मंशा रहती है इसके पीछे? आज हम लोग जो है करोड़ों करोड़ दलितों के शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता रहे हैं, भारत रत्न हैं जी, और हम सब के और समस्त नारी जगत के उत्थान करता हैं उनकी। आप साथ में तो आ सकते हैं, साथ में तो खड़े हो जाइए, बीच में तो आइए, जवाब ना दे कुछ भी ना, बस आइए जी। उनकी 132वीं जन्म तिथि जन्मोत्सव मनाने के लिए हम पूरे देश में ही नहीं, आज बाबा साहब की चर्चा परिचर्चा विदेशों तक छा गई है। बाबा साहब का जो ज्ञान था, जो उनकी यश कीर्ति है, आज विदेशों में महक रही है। तो उस कड़ी में यहाँ पर भी जो है बाबा साहब का जो पावन जन्मोत्सव है, उस कार्यक्रम को हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जो भव्य स्मारक लखनऊ में बना हुआ है, उस स्मारक पर भी हम लोग जो है एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ से, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से कोई ऐसा गांव नहीं छूटता है,
और शहरी क्षेत्र से कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छूटता है जहां से लाखों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी वहां पर उपस्थित होते हैं। और एक खास बात यह रहती है कि लखनऊ में जितने भी अम्बेडकर अनुयायी विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और वहाँ आए हुए अम्बेडकर अनुयायियों के सम्मान के लिए बाहर एक पंडाल लगाते हैं। हर विभाग का एक पंडाल लगता है जिसमें अम्बेडकर अनुयायियों को सुविधाजनक ढंग से उनको प्याऊ और मिष्ठान, खुशी में जो मिष्ठान वितरण किया जाता है उस मिष्ठान की व्यवस्था करते हैं। कुछ जो है स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाए जाने के लिए बहुत ही बड़ी तैयारी लखनऊ में चल रही है। और इस कड़ी में आज जो है अम्बेडकर माह का जो पांचवा दिन है, हमारे इंजीनियर साहब शिषपाल जी के घर में बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम मनाने का जो पूर्ण कार्यक्रम किया गया है, मैं इन्हें सब तथागत बुद्ध को नमन करते हुए कोट कोट बाबा साहब को प्रणाम करता हूं और भाई शिषपाल जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित, सफल कार्यक्रम आयोजित किया और इसी तरह से आप जो है आगे बढ़ते रहे। देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीजिए। सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और यह 1 अप्रैल से चल करके 30 अप्रैल तक पूरे देश में एक अम्बेडकर माह के तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को भी मनाते हैं। हमारे लोक निर्माण विभाग की तरफ से लखनऊ में एक बृहद खाने पीने और हर तरह की व्यवस्था की जाती है, पियाओं की व्यवस्था की जाती है, लोगों को इतना उत्साह वर्धन किया जाता है, फिर भविष्य में वो कार्यक्रम को और अच्छे से अच्छे कर सकें। धन्यवाद। अम्बेडकर माह आयोजन समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का पांचवा दिन है। मैं इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बहुजन समाज में जन्म सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि ये अम्बेडकर माह मनाते मनाते 18 साल हो गए, ये 18वां साल चल रहा है। और अम्बेडकर माह का कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ नए लोग बोले, क्योंकि जब नए लोग बोलते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि मेरी एक टीम तैयार हो गई, मेरे पीछे लाइन में लग गए लोग। क्योंकि मुझे याद है 12 साल पहले जब मैं अम्बेडकर माह में काम शुरू किया था तो कोई भी महिलाएं बोलना नहीं जानती थी, तो कहीं हम ही को संचालन ज़्यादातर करना पड़ता था, फिर पदाधिकारी हुए तब भी करते रहे। लेकिन आज की डेट में, आज की स्थिति यह है कि महिलाएं बोलने के लिए तमाम मंच संचालन, बड़े बड़े मंच संचालन करने के लिए हमारे बीच में महिलाएं तैयार हो गई, वो अम्बेडकर माह की देन है। नहीं, बोलने का मतलब संचालन बहुत मतलब करते हैं। अभी देखिएगा, अभी पुरनिया बुद्ध विहार में होने जा रहा है कार्यक्रम, देखिएगा महिलाएं संचालन करेंगी वहाँ। तो हमको ये खुशी होती है कि ये अम्बेडकर माह के द्वारा इतनी जन जागरूकता फैल गई, लेकिन अंधविश्वास अभी फंसा हुआ है। जागरूकता तो हो गई, बाबा साहब को मानते हुए जानने भी लोग जड़ से नहीं मिट पाया है। जड़ से मतलब जो हमारे साथ लगे वो भी अभी जो है आधे हैं, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। लेकिन फिर भी हम लोग संतोष करते हैं कि चलो कोई बड़े कार्यक्रम का नहीं है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो। देखिए बहुत बड़े कार्यक्रम में शांति से सुनते हैं, नहीं बहुत भीड़ वाले कार्यक्रम में देखिए वो अपनी बात करते हैं, आप बोलो चले जाओ। इसी का कारण है कि
जो लोग वहाँ जाते हैं वो कुछ ले कर नहीं आते, वो घर की समस्या लेकर के आते हैं, वही समस्या में चले जाते हैं, मैं तो फिर कहाँ बौद्ध हो गए। इसलिए और सरकार तो चाहती है आप अपने कुनबे में फंसे रहो, क्योंकि वो सोच अगर ना होती हम सुधरे बने होते तो क्या मेरी सत्ता छिन जाती। हम लूटे पीटे लोग, हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सत्ता जहां हम शासक थे शोषित कैसे बन गए। इस पे ही खाली विचार कर ले कि हमारा दुश्मन कौन है शोषित बन। जब भी पूछिए समय नहीं है तो थोड़ी देर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर हम लोग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार आप बुद्ध अनुयायियों, बुद्ध उपासक, बुद्ध उपासिकाओं, अंबेडकर के फॉलोअर के बीच में रहने का एक प्रयास कर रहे हैं। और एक स्लोगन दिया गया है, अंबेडकर माह मनाओ, जन जागृति लाओ। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? सर आपका नाम क्या है? दीपक, खड़े हो जाइए जरा 2 मिनट के लिए, क्षमा करिएगा। पिताजी का क्या नाम है? राम भवन। उनके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय सुदामा प्रसाद, यानी आपके दादाजी का नाम स्वर्गीय सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए आपके लिए, बढ़ जाइए। आशा यही था कि आप अपना इतिहास जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सर ने बता दिया, लेकिन मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मुझे मालूम है यहां पर बैठे हुए ये धम्म उपासक संभवता अपवाद स्वरूप हो सकता है दादा तक नाम जानते हो, लेकिन परदादा तक नहीं जानते हैं। तो बस कारण यही है कि हम आपके बीच में, जैसे आपका परिवार है हमारा भी परिवार है, लेकिन फिर भी जागृति लाने के लिए ये कार्य हम लोग आपके सहयोग से कर पा रहे हैं। क्यों? अगर आप लोग श्रोता, अच्छे श्रोता गण नहीं होते तो वक्ताओं का कोई महत्व नहीं होता। तो आज मैं आपके बीच में ये कोशिश करूंगा, मैं थोड़ी सी बात अपनी रखूंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। किसी की दी हुई वस्तु को, जैसे आपके घर में सोने का बर्तन रखा है, कुछ रखा है, तो ये मैं ले नहीं सकता हूं, इसकी शपथ ग्रहण करता हूं। यानी मैं चोरी करने से दूर रहने की शपथ ग्रहण करता हूं। फिर तीसरे में कहता कामे सुच्छा चारा बेर भाई, मैं इस संसार में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बुरी नजर ना डालने की शपथ लेता हूं, दूर रहने की शपथ लेता हूं। आखिरी में पांचवा सील है, मूसा वादा वेर मणि सिक्खा पदम समाधानी सुरा मेरे मज पमादत आना वेर मणि।